Good morning, students. I'm Amandeep Kaur, your art and craft teacher. Today we will learn how to draw and color a sun. So let's start to this class. मैंने सन को ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है. सबसे पहले जो भी हमने ड्रॉ किया है उसे ब्लैक कलर से आउटलाइन करना होता है. अगर हम आउटलाइन नहीं करेंगे कलरिंग के बाद वो ऐसा डल सा दिखता है, इसलिए सबसे पहले ब्लैक कलर से आउटलाइन करना है. और जब भी ड्राइंग बनानी है ड्राइंग को बिग साइज में बनाना है, ऐसे स्मॉल नहीं बनाना. स्मॉल ड्राइंग में कलरिंग करने में बहुत डिफिकल्टी होती है क्योंकि स्पेस कम होती है. आज हम सन में येलो और ऑरेंज कलर यूज करेंगे. फर्स्टली हम येलो कलर करेंगे क्योंकि पहले लाइट कलर्स यूज करने होते हैं, बाद में डार्क कलर. मैं येलो कलर से इसे आउटलाइन कर लूंगी. आउटलाइन करने के बाद हम कलरिंग स्टार्ट करेंगे. कलरिंग हमेशा एक ही डायरेक्शन में करनी होती है, जैसे मैं लेफ्ट टू राइट कर रही हूँ. सारी कलरिंग ऐसे फिनिश कर लेंगे. कलरिंग के टाइम वाइट एरिया नहीं छोड़ना है, अगर छूट जाए तो उसे कलर से अच्छे से कवर कर देना चाहिए. अभी हम ऑरेंज कलर यूज करेंगे. सबसे पहले ऑरेंज कलर से आउटलाइन करेंगे. आपको पता है डार्क कलर बाद में और लाइट कलर पहले क्यों यूज करते हैं? कई बार ऐसा होता है जब हम लाइट कलर यूज करते हैं ना, लाइट कलर बाहर निकल जाता है जहाँ डार्क कलर वाले एरिया में आ जाता है. तो क्या होता है, जो डार्क कलर होता है वो उसे कवर कर लेता है ऐसे. लेकिन अगर हम डार्क कलर पहले यूज करते हैं वो लाइट कलर के एरिया में चला जाए तो लाइट कलर उसे कवर नहीं कर पाता, तो ड्राइंग अच्छी नहीं बनती. अभी हम इसे भी वही डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट कंप्लीट करेंगे. हमें एक डायरेक्शन में कलर क्यों करना होता है आपको पता है? ये देखो दूसरे ड्राइंग में, एक तो इसमें आउटलाइन नहीं किया हुआ, ये अच्छी नहीं लग रही ना. अगर हम एक डायरेक्शन में नहीं करते लाइक पहले हम ऐसे स्टार्ट कर देते हैं, कभी ऐसे स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या होता है कलरिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उसमें लाइंस पड़ जाती हैं, वो स्मूथ नहीं होता. इसलिए हमेशा कलरिंग सही तरीके से करनी चाहिए. आवर सन इज रेडी. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.